गणेश महोत्सव का पर्व चल रहा है और ऐसे में हर तरफ गणेश जी की जय जयकार की जाती है। गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान होंगे और ऐसे में आप पूरी तरह से ये प्रयास कर रहे होंगे कि कैसे भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि हर देवता के साथ साथ हर देवता की तरह ही भगवान गणेश के भी कई अवतार बताए जाते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में भगवान गणेश ने भी अवतार लिए हैं और इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट महोदर विघ्नेश्वर जैसे 8-8 अलग अलग नामों के अवतार लिए। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोषों को भी दूर करता है। इन 8 दोषों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस योग को खत्म करता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गणपति जी का पहला अवतार माना जाता है वक्रतुंड। जी हाँ, श्री गणेश जी ने इस रूप में राक्षस मत्सासुर के पुत्रों का वध किया था। ये राक्षस जो था वो शिव का भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके ये वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सासुर ने देव गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बेहद अत्याचारी थे। सभी देवता शिव की शरण में जा पहुंचे। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि गणेश जी का आवाहन करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। चलिए अब आपसे गणपति जी के अगले अवतार यानी कि एक दंत के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, महर्षि चयवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की और वही चयवन का पुत्र भी कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उसे प्रताड़ित करने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप लेकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में 5 पशु, अंकुश और 1 खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। जी हाँ, अब आपसे गणेश जी के अगले अवतार के बारे में बात करते हैं जो कि महोदर है। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाला। वो मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति भगवान को अपना इष्ट बना लिया। भगवान गणपति का 4था अवतार विकट बताया जाता है। जी हाँ, भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय वरदान प्राप्त कर लिया।
इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। भगवान गणेश का अगला अवतार गजानन। जी हाँ, गजानन धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। उस शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दे दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। तब देव गुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही पराजय मान ली। गणेश भगवान का अगला अवतार जो कि लंबोदर है। जी हाँ, क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सभी देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धर कर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभिमान रोक दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक चला गया। तो वहीं गणपति जी का अगला अवतार विघ्नराज बताया जाता है। इस अवतार में जी हाँ, एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वो माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शब्रासुर से मिला। शब्रासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बना लिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए और ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को उसके कैद से छुड़वाया। अब आपको गणेश जी के अगले और अंतिम अवतार के बारे में बताएं तो उसका नाम है धूम्रवर्ण। जी हाँ, एक बार की बात है, सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वो अहम से अहंता सुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और गणेश को तप से प्रसन्न कर वरदान भी प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वो विकराल थे। उनके हाथों में भीषण पास था जिससे बहुत सी ज्वालाएं निकल रही थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंता असुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हरा कर अपनी भक्ति प्रदान की। तो ये थे भगवान गणेश के 8 स्वरूप। जी हाँ, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप भगवान गणेश से जुड़ी कोई कथा या कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें आप ये भी बताना ना भूलें कि क्या आप इससे पहले भगवान गणेश के अवतारों के बारे में जानते थे, और अगर आप जानते थे तो आप भगवान गणेश के किस अवतार की पूजा अर्चना करते हैं, इस बारे में भी हमें बताएं। आपकी अधिक जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगर आपने घर पे भगवान गणेश की स्थापना की है तो उनका विसर्जन भी बड़े ही विधि विधान के साथ करें, धूमधाम से करें, क्योंकि भगवान गणेश के विसर्जन के पीछे
कई महत्वपूर्ण कथाएं छिपी हुई हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश का विसर्जन कर उन्हें अगले साल आने के लिए कहा जाता है। आशा है जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।